सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का मैं रशमीन कौर बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। जे हॉट टॉपिक्स की गल करिए रियल एस्टेट सब तो उपर आता है और अज के इस एपीसोड में असी लेके आए हैं नव खेला जी ने जो कि सरी विच पिछले 10 साल तो रियल एस्टेट एडवाइजर ने। अज वो सानू दसणगे कि रियल एस्टेट की मार्केट में की चल रहा है और की सानू नवी इनफॉर्मेशन मिल सकती है। सत श्री अकाल नव जी। सत श्री अकाल जी, टीवी पंजाब के सारे दर्शकों का नव खेला वालों स्वागत है जी। तो जिवें कि असीं गल कर रहे सी कि तुसीं 10 साल तो इत्थे रियल एस्टेट एडवाइजर हो जे आपां प्रोफेशनली गल करिए या एक होम बायर दे पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तां वाई रियल्टर क्यों जरूरी है रियल्टर। बाहर आपां देखे है सेल दे बोर्ड लगे ने ओपन हाउसिज ने या कुछ भी बंदा जाके यू नो कैन लुक अराउंड एंड बाय अ प्लेस आपदी पसंद दी लोकैलिटी विच। रियल्टर क्यों चाहिदा है विच उहदे बारे पहलां सानूं दसो। बहुत ही वधिया सवाल है तुहाडा रश्मीन जी। ते अज मैं अपने टीवी पंजाब दे दर्शकां नूं भी दसना चाहुंदा आ कि भी एक रियल्टर की की जरूरत हैगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई सानू घर बारे ऑनलाइन इनफॉर्मेशन मिल जाती है वैबसाइटा तो टीवी तो इधर उधरों के कितने रियल्टर का फट्टा लगा है तो असं जाके उन्होंने कहेंगे कि भाई साड़ी हेल्प कर दे, पर इस तरीके ना हेल्प नहीं होंगी हैगी। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू बाय द रियल स्टेट। सो रियल्टर की जरूरत इसलिए है कि जिहड़ा भी तुहाडा रियल्टर हैगा, पहली गल है कि जो तुसी रियल्टर चूज करते हो तुसी देखो कि भी वो उस मार्केट दे विच जिस मार्केट चो रहिंदा है उन्हों उसकी कितनी नॉलेज हैगी है जी। सो उहदा तुहानू नंबर वन बेनीफिट यह होगा कि वह तुहानू राइट प्राइस बारे गाइड कर पाएगा जी, क्योंकि उन्हों उस सारी मार्केट की नॉलेज हैगी है उस लोकल एरिए की। दूजा मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स नू भी यह दसदा हुंदा कि इहनू इस तरह अंडरसटैंड करो कि जिवें दो जिहड़े वकील ने वो मतलब एक क्लाइंट नू नहीं कर सकते सिर्फ जी, इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट राइट। सो इसे तरीके रियल स्टेट दे विच भी अगर दो क्लाइंट ने एक बायर है एक सैलर है उन्होंने उन्होंने आपदे रियल्टर रिप्रजेंट करे तो वह डील बहुत वधिया स्मूथ तरीके सिरे चढ़ती हैगी है। और वैसे भी यह रियल स्टेट का रूल भी हैगा ऑल ओवर कैनेडा कि एक क्लाइंट नू एक एजेंट ही रिप्रजेंट कर सकता है क्योंकि वह उदे हकां दा ऑलवेज उदा ख्याल रखेगा ते उनू राइट गाइड करेगा। इस करके रियल्टर दी जरूरत बहुत है। ऑलवेज रियल स्टेट बाय जा सेल करना होवे आप दे रियल्टर नू कांटेक्ट करो। मतलब एक ता इट इज अ पार्ट ऑफ द रूल हियर, दूजा प्लस की जे तुहानू पूरी इनफॉर्मेशन चाहीदी है ते तक तुसी पहुंचना, क्योंकि घर खरीदना कोई आसान काम नहीं है। तुसी अपनी पूरी जिंदगी दी जमा पूंजी आपां ला दिंदे आ एक घर बनाउण विच ते रियल्टर दा होना बहुत जरूरी है। तो जिमें कि तुसी एक एक्सपीरियंस रियल्टर इतने है गे हो, जे आप गल करिए इतने आए दिन नवे लोग आते हैं या जो ऑलरेडी इतने स्टूडेंट तो पक्के हुए ने ते हुण घर खरीदना चाहते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स, अज दी मार्केट का हालात देखते हुए तुसी उन्हां नूं की सलाह देना चाहोगे कि उन्हां नूं की करना चाहिए वैन इट कम्स टू बाइंग देयर फर्स्ट हाउस। ग्रेट क्वेश्चन। जो जिवें तुसीं इमीग्रेंट्स की गल की है रिसेंटली साढ़े इंडिया तो जां होर भी मुल्कों तो बहुत सारे इमीग्रेंट्स इत्थे आ रहे हैं उन्होंने रियल स्टेट जरूर इनवैसट करना चाहिए क्योंकि रियल स्टेट तुहाडी लाइफ की बिगेस्ट ते बेस्ट इनवैसटमेंट हो सकती है क्योंकि इहदे विच ग्रोथ देखण नूं मिलती है अगर तुसीं उन्हों लोंगर टाइम लई यूज़ करते हो उस रियल स्टेट नूं तुसीं उन्हों होल्ड करते हो। सो जित तक नवे इमीग्रेंट का सवाल है जां फस्ट टाइम बायर ही लै लो उन्होंने हमेशा असं ये एडवाइस देने कि तुसी अपनी इस होम बाइंग डिसीजन लई प्रिपेयर हो पूरी तरह प्रिपेयर होवो जिवें कि तुसी अपना क्रैडिट स्कोर प्रॉपरली बिल्ड करो दो चार क्रैडिट यूज करके एक दो कार्ड का टुकड़ यूज करो जी, दैन फिर तुहानू अपनी डाउन पेमेंट प्रॉपर जोड़नी चाहिए हैगी है जां तुसी अगर ओवरसीज फंड भी कोई यूज कर रहे हो कि तो दूजे फंड भी लैके आ रहे हो। तो लास्ट स्टैप उन्होंने किसी एक्सपर्ट को रियल स्टेट एजेंट को बैठ के सारी गलबात समझनी चाहिए है कि हुण उहदा नैक्सट बेस्ट स्टैप की होगा। सो ये तीन चीज़ा अगर वो करते हैं तो उन्होंने राइट डायरेक्शन दे विच उन्होंने उन्होंने राइट प्रॉपर्टी मिल सकती है और वो खुश होंगे। चलो ये तो आप एक स्टैप्स देख ले कि हाँ स्टैप्स ने तुसी पर जे आप रियल एस्टेट की गल करते हैं तो आप देखिए कि वी हैव सीन दी ऑल टाइम लो इन द सेल ऑफ हाउसेस कि इतू घट सेल घर 2009 तो लैके हुण तक नहीं सी हुई, जनवरी वॉज द वर्स्ट हिट मंथ। तो इस तरह की मार्केट विच
ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਇਰਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਇਜ਼ ਇਟ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਲੂਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਬਲੂਨ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕੁਟੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਨੀ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲੇ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ 10 to 10 years, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ, ਲੌਂਗਰ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ 2010 ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, 2010 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ 3 times ਦੇਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਐਸਪਾਇਰਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ? ਕੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਇਸ ਦਿਸ ਦ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਵਰ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-bedroom, 1-bedroom ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਹੀ ਲਓ, ਸਟਾਰਟ ਓਨਿੰਗ ਇਟ ਜੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਟੂ ਰੈਂਟ ਫੋਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਘਰ ਦੀ ਐਕੁਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਸਮ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਸਟੋਪ ਰੈਂਟਿੰਗ। ਓਕੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਗਰੰਟਿਡ ਓਵਰ 5 ਟੂ 10 ਈਅਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੋ ਰੋਂਗ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਗੋ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਹੈਡ ਮੇਡ ਦ ਮੋਸਟ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਹੌਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ? ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰਬਸ ਨੇ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟਾਊਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਬਸਫੋਰਡ, ਚਿਲਾਵੈਕ, ਮਿਸ਼ਨ, ਮੇਪਰ ਰਿਜ,
ईवन अप टू ननैमो विक्टोरिया ये बहुत ही अच्छे एरियाज ने रहने लिए बहुत उत्थे अपॉर्चुनिटीज भी है काम भी है ने और तुम उन्होंने भी एक्सप्लोर करो अगर तुम उ अपनी पहला घर बाय करके अपनी लाइफ स्टार्ट कर दो तो अगर सेटल डाउन हो जाने प्रोबली यू डोंट वांट टू मूव एनीवेयर जी लाइक आई नो फैमिलीज जिड़िया ननैमो विक्टोरिया पिछले 40 साल तो रह रही और बड़िया खुश है जी सो आई थिंक तो अपना माइंड ओपन करने की लोड़ हैगी है अगर तुम अपनी रेजिडेंशियल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जी एक होर मेरा आखिरी क्वेश्चन कह सकते हैं नव जी वो ये है कि थोड़े एक्सपीरियंस के बेस्ड है जे अपना रियल स्टेट एज अ प्रोफेशन की गल करिए न्यू जॉइनीज जो एस्पायर कर रहे हैं या जो नवे बच्चे इतने आ रहे हैं जिन्होंने शुरू करना है या लाइसेंस अप्लाई करना है या कुछ भी की सलाह देना चाहोगे कि इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट च आने लई ते की फायदे ने इस इंडस्ट्री नू जॉइन करन दे बहुत वधिया क्वेश्चन है जी रियल एस्टेट इज अ बिग इंडस्ट्री आई जस्ट लव बीइंग इन रियल एस्टेट जी सो मैं ये कहूँगा कि अगर तुसी मेहनत करन तो नहीं घबराउंदे जी एंड तुसी चैलेंज लै सकते हो कि मैं एक तो दो साल गुजारा कर सकता है इस फील्ड दे विच आके क्योंकि शुरू दे जिहड़े बिजनेस दे किसी भी बिजनेस तुसी लै लो नॉट जस्ट रियल एस्टेट अगर तुसी किसी काम च पहले 2-3 साल कट जाते हो हाँ जी वो टफ टाइम होंदा है तो उस तो बाद तुसी उस काम दे विच माहिर हो जाते हो तुसी काम नूं वधिया तरीके नाल कर सकते हो सो मैं यंगस्टर्स नूं यही अपील करांगा कि इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी इन रियल स्टेट अगर तुहानूं शौक हैगा रियल स्टेट का तुसी लाइसेंस लो आपका तो आप डॉक्यूमेंट चूज करो जे तुसी मेरी भी कोई हेल्प चाहते हो एनी टाइम यू कैन रीच आउट मी जी तो तुसी भी मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हो इत्थे जो नवे एस्पायरिंग रियल एस्टेट एजेंट्स ने उन्होंने हाँ जी मैं शौक है एक्चुअली मैं लर्न करन दा किताबा पढ़न दा जी खुद कुछ सीख के फिर अगो शेयर करन दा शौक है तो मैं उन्होंने मतलब एज ए कोच कह लो जां मेंटर दे तौर ते मेरे नाल काफ़ी रियल स्टेट दोस्त जिहड़े जुड़ते रहिंदे ने ते साडी कंपनी दे विच वी एक मेंटरशिप प्रोग्राम है पर तुहानूं मेंटर्स किसी भी इंडस्ट्री दे विच अगर मिलते हैं सपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी दे विच फाइंड यूर मेंटर्स एंड दिस इज एंडलैस फील्ड आई थिंक स्काई इज द लिमिट जिनी मेहनत करो उन्ना ही ये कामयाब हो सकते हो जी जी थैंक यू सो मच नव जी बहुत चंगा लग्या तुसीं साडे स्टूडियो विच आए ते साडे नाल चंगीआं चंगीआं गल्लां कीतीआं असीं उम्मीद करदे हां दोबारा जुड़ांगे तुहाडे नाल समटाइम सून श्योर जी मैनूं भी बड़ा वधिया लग्या रश्मि जी थैंक यू फॉर माई हैविंग मी इन स्टूडियो तुहाडे पंजाब दा दोबारा धन्यवाद करना थैंक यू सो मच जी ते अज दे साडे रियलिटी चैक दे इस एपीसोड विच बस इन्ना ही होर ताज़े अपडेट्स लई और देश विदेश दियां ताज़ियां जानकारियां लई तुसी देखना ना भुल्यो टीवी पंजाब।